सदर थाना पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो कार भी जब्त की गई है। पुलिस पूछताछ में काफी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस अब उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी चिनाराम बेड़ा के अनुसार सुबह पुलिस टीम गश्त पर थी। इस दौरान एक स्कॉर्पियो कार नंबर DL12CL7009 में दो युवक संदिग्ध नजर आए, जिन्हें पुलिस द्वारा शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर थाने लाया गया। थाने पर कार के कागजात के बारे में पूछताछ की तो उनके पास किसी प्रकार के कोई कागजात नहीं मिले। संदेह होने पर उनके साथ सख्ती दिखाए तो वे टूट गए तथा फर्जी ग्राहक बनकर वाहन चुराने की बात कबूल की। बताया गया है कि यह दोनों युवक ऑनलाइन वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के जरिए अलग अलग कंपनी से बिना ड्राइवर के गाड़ी बुक करते हैं, जिसके लिए यह फर्जी आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके कंपनी की ओर से चाही गई समस्त औपचारिक जानकारियां पूर्ण करते हैं। जानकारी पूर्ण होने के बाद कंपनी उनको गाड़ी ले जाने के लिए योग्य मानते हुए गाड़ी अनलॉक कर देती है। सीआई बेड़ा ने बताया कि यह शातिर गाड़ी के पास पहुंचकर गाड़ी को लेकर रवाना हो जाते हैं एवं कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी में लगे ग्लोबल पोजिशनिंग साइन सिस्टम तथा फास्टैग को गाड़ी से निकाल देते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एवं फास्टैग को निकाल देने के कारण कंपनी एवं पुलिस गाड़ी को ट्रैक नहीं कर पाती है। उक्त युवक गाड़ी को यहां लाने के बाद जंगल में छुपा देते हैं और बाद में मौका पाकर गाड़ी की पहचान के सभी चिन्ह मिटाकर अवैध काम करने वाले शातिर बदमाशों को औने पौने दामों में बेच देते हैं। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार युवकों ने अब तक दिल्ली मुंबई सहित अन्य महानगरों में ऐसी गाड़ियां चुराई है। मामले में और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। गिरफ्तार आरोपियों में दिनेश कुमार पुत्र मालाराम जाति विश्नोई निवासी पादरडी खुर्द थाना गुढ़ा मालानी बाड़मेर तथा सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल पंडित विश्नोई निवासी खारा थाना खारा जिला जालोर शामिल है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल बीरबल, कांस्टेबल राजू राम, सुखपाल, मनोहर, प्रदीप, हरेंद्र तथा राम प्रसाद मौजूद थे।